अगर आपकी इडली सॉफ्ट और मॉइस्ट नहीं बनती और बहुत लंबे समय तक रखने के बाद वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए मैंने जिसे फॉलो करने के बाद आपकी इडलियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनेगी और वो लंबे समय तक वैसी ही बनी रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशिक्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे इडली की रेसिपी, जो कि बनाना तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 कप चावल ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल कटोरी जो होती है घर में सब्जी सर्व करने के लिए, वो कटोरी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मेज़रिंग कप है तो उससे ले लीजिए। तो 3 भाग हमें चावल का रखना है और 1 भाग हम दाल लेंगे। तो यहाँ पर उड़द की दाल का इस्तेमाल करना है हमें, बिना छिलके वाली जो होती है। चावल यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, स्पेशली इडली बनाने के लिए भी मार्केट में चावल आता है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि चावल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास जो भी चावल है वो आप इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही यहाँ पे 1 छोटी चम्मच मेथी दाना ले लेंगे। सबसे पहले हमें बहुत अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेना है और अलग अलग वॉश करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स लिया है, पोहा। ये हमारी इडलियों को काफ़ी सॉफ्ट बनाएगा, तो इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे एक बड़े से बॉल में मैंने चावल को ले लिया है, इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे और इसमें हमें पानी भर के सोख होने के लिए रख देना है। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है। इसके साथ ही दाल को भी अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो दाल को भी वॉश करके मैंने पानी इसमें डाल दिया है, इसे भी कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दाल चावल अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं, अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। तो उससे पहले हमने जो पोहा लिया है उसे हमें पानी में सोख करना है। तो यहाँ पे 1 कप पोहा है, तो 1 कप पानी ऐड कर दिया है मैंने और 1 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। पतला पोहा लिया है मैंने, इसके लिए बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम दाल को पीसेंगे। तो यहाँ पर दाल देखिए अच्छी तरह से सोख हो चुका है पानी में, तो इसे एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया मैंने और बिना पानी के पहले इसे पीसिए। उसके बाद कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए हमें इसका महीन पेस्ट बनाना है। दाल को बहुत ही ज़्यादा बारीक पीसना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, एक ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है मैंने और इसे अब हम पीस लेंगे। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये देखिए, दाल अच्छी तरह से बारीक पीसा है और आप इसका टेक्स्चर यहाँ पर देख सकते हैं, तो बिल्कुल फाइन होना चाहिए इसका पेस्ट। तो यहाँ पे दाल हमारा पिस के तैयार है, तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने। अब हम चावल को ग्राइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में इसे ऐड कर दिया है और हमने जो पोहा को सोख करके रखा है वो हम इसी स्टेज पे इसमें डालेंगे और दोनों को साथ में पीसेंगे। तो यहाँ पे 2 बैचेज में मैं चावल को पीस रही हूँ, तो आधा आधा करके इसमें पोहा ऐड करूँगी। तो अगर आप एक ही बैच में इसे पीस रहे हैं तो सारा पोहा एक बार में ही डाल दीजिए। पोहा डालने से इडली काफ़ी सॉफ्ट बनती है और काफ़ी लंबे समय तक वो उसी तरह से सॉफ्ट बनी रहेंगी, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो अब इसे थोड़े से पानी के साथ हम ग्राइंड करेंगे। चावलों को हमें हल्का सा दानेदार ही रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक इसे नहीं पीसेंगे। इडलियों के लिए हल्का सा दानेदार चावल बहुत ही अच्छा होता है और इडलियाँ काफ़ी फ्लेकी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने पीस के तैयार कर लिया और इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना दानेदार है, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा। इस तरह से हमें चावलों को पीस के तैयार कर लेना है। जब हम डोसा बनाते हैं तो उसके लिए जब हम चावल को ग्राइंड करते हैं तो वो बहुत बारीक होना चाहिए, क्योंकि डोसा को हमें क्रिस्पी बनाना होता है। इडलियों में ये कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए चावलों को हल्का सा दानेदार पीसिए। यहाँ पर मैंने दोनों बैच को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और दाल और चावल को अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी थिक है। तो कम से कम पानी इस्तेमाल करते हुए मिक्सचर बनाइए तो बहुत ही अच्छी इडली बनके तैयार होती है। अब इसे हम कवर कर देंगे। अगर आप रात भर के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 10 घंटे के लिए इसे ज़रूर रखिए। अगर मौसम सर्दी का हो तो टॉवल में लपेट के रखिए इसे, ताकि अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो। अगर ये अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं होगा तो हमारी इडलियाँ फ्लफी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर इसे पीसने के बाद लगभग 10 घंटे के लिए मैं रखूँगी। तो लगभग 10 घंटे के लिए मैंने इसे फर्मेंट होने के लिए रखा था। अभी गर्मियों का मौसम है तो ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। काफ़ी फ्लफी बैटर हमारा तैयार हुआ है, ये देखिए, गाढ़ा फ्लफी, बहुत ही अच्छी इडली बनके इसे तैयार होगी। इससे आप डोसा भी बना सकते हैं, इस बैटर से उत्पम भी बना सकते हैं, लेकिन ये आइडियली
इडली के लिए है, क्योंकि हमने इसमें चावलों को थोड़ा सा दानेदार ग्राइंड किया है, तो इसके लिए इडली इससे बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे एक टिप और है कि जितना बैटर आपको इस्तेमाल करना हो उसे एक अलग बाउल में निकालिए और उतने में ही आप नमक ऐड कीजिए। सारे बैटर में अगर आप नमक मिला के उसे फ्रीज में स्टोर करेंगे तो बैटर बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में जितना मुझे इस्तेमाल करना है उतना बैटर लिया है। अब नमक डाला है मैंने और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बैटर कितना अच्छा गाढ़ा फ्लफी बना है। तो यहाँ पे इडली स्टैंड ले लिया है मैंने, हल्के से तेल से इसे ग्रीस कर लेंगे हम, ये देखिए। अब इसमें हम बैटर को पोर करेंगे, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा जगह खाली रखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने बैटर को डाल दिया है सारे सांचे में। अब यहाँ पे मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। इसमें गैस का फ्लेम यहाँ पे आपको हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही हम इसे स्टीम करेंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। ये इडलियाँ बिल्कुल 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी, हाई फ्लेम पे रखिए इसे। और आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लफी बन रही है ये, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए लगभग 10 मिनट हो चुका है। और इडली को चेक कर लेते हैं कि ये बनी है कि नहीं, तो स्पून नाइफ कुछ भी इसमें इंसर्ट कीजिए, आप देखेंगे वो क्लीन निकलेगा। तो इडलियाँ बिल्कुल तैयार है, अंदर से पक चुकी है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इडली हल्की सी ठंडी हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनके तैयार हुई है। और मैं आपको प्रेस करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए ये इडलियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। और अंदर से आप देख ही सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट बनी है। तो इडली बनाते समय उसमें पोहा ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए, और बिल्कुल कम पानी के साथ उसे ग्राइंड कीजिए, तो आप देखेंगे इडलियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। तो इसी तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।